रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के साथ प्रचार के दौरान झूमाझटकी किए जाने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि यह झूमाझटकी तब हुई जब बृजमोहन बैजनाथपारा इलाके में चुनावी प्रचार के लिए गए हुए थे। इस घटना के बाद बृजमोहन समर्थकों में गुस्सा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर समर्थकों ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया है। इस घेराव में बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल हैं। इस घटना के बाद बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने अपने आरोप में कहा कि मैं हर बार चुनाव प्रचार के लिए बैजनाथपारा के मदरसा चौक पर जाता हूँ। इस बार भी जब यहाँ प्रचार के लिए पहुँचा तब महापौर एजाज धेबर और उनके भाई अनवर धेबर के लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। इस दौरान मेरे PSO ने मुझे खींचकर मदरसे के भीतर ले गए। इस वजह से मैं बच गया। महंत को जिताने एजाज और अनवर को कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है, बृजमोहन ने कहा। इस घटना के बाद अब जनता उन्हें सबक सिखाएगी। इधर इस घटना के बाद बृजमोहन अग्रवाल समेत उनके समर्थकों ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के बाहर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं। माहौल तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की हवा अब आंधी के रूप में परिवर्तित हो गई है और जनता ने तय कर लिया है कि बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएगी और रायपुर के चारों से जिताएगी। घर घर में ढोल नगाड़े आप बजवा रहे हैं बीजेपी का, जगह जगह ढोल नगाड़े बज रहे हैं। बीजेपी की कार्यकर्ता काफी उत्साहित लग रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? कार्यकर्ता नहीं, जनता भी उत्साहित है। जनता जिस प्रकार से स्वागत कर रही है, माला पहना रही है, आरती उतार रही है और उनके चेहरे की जो मुस्कान है वो बता रही है कि बीजेपी की सरकार बनाना जनता ने तय किया। पहले चरण का दूसरे चरण का महाभारत सुन चुका है, क्या लग रहा है दूसरे चरण में? पहले चरण का पहले चरण में भी हम 2 तिहाई सीटें लेंगे और दूसरे चरण में भी हम 2 तिहाई सीटें लेंगे। ठीक है, तो ये For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.